इसको हम लोग को लगभग 10 दिन का समय लगा है, लगभग 15 हमारे आर्टिस्ट काम कर रहे थे इस पर लगातार, और अभी रिसेंटली नहीं कंप्लीट हुआ है ये अभी 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के मंदिर का लोकार्पण है, उसी के लिए मतलब हमारी छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से छोटा सा समर्पण है। यहाँ पर हम लोग ने बजरंग बली शिव जी का बनाया है, वहाँ माता दुर्गा माता का है, काली माता का है, और शिव जी का और बना हुआ है। अब आपको छत्तीसगढ़ में भी अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन होंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रायपुर के कंकाली तालाब परिसर में भगवान राम का जो मंदिर है वो बनाया गया है। आप देखेंगे कि दीवारों पर भगवान राम के मंदिर की खूबसूरत तस्वीर उकेरी गई है। जो भक्त अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं वो इस तस्वीर के जरिए भगवान राम के मंदिर के स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में उन्हें कितना वक्त लगा है। आप बताइए कितना वक्त लगा है इसको। हम लोग को लगभग 10 दिन का समय लगा है, लगभग 15 हमारे आर्टिस्ट काम कर रहे थे इस पर लगातार, और अभी रिसेंटली नहीं कंप्लीट हुआ ये। अच्छा, भगवान राम के मंदिर को ही बनाना है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये अभी 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के मंदिर का लोकार्पण है, उसी के लिए मतलब हमारी छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से छोटा सा समर्पण है। अच्छा, ये बताइए कि भगवान राम के मंदिर के अलावा यहाँ पर दीवारों में और भी तस्वीरें दिख रही है, कौन कौन सी भगवान की तस्वीरें आप लोग दीवारों पे बनाए हैं? यहाँ पर हम लोग ने बजरंग बली शिव जी का बनाया है, वहाँ माता दुर्गा माता का है, काली माता का है, और शिव जी का और बना हुआ है जी। बिल्कुल, ये जो कंकाली मंदिर का परिसर है वो राममय हो गया है। जो भक्त जो है अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं वो इस तस्वीर के ज़रिए अयोध्या के राम मंदिर का एक स्वरूप देख सकते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से ये जो तस्वीर है वो समर्पित है भगवान राम के मंदिर को, तो इस तरीके से यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया है, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो मंदिर की आकृति बनाई गई है वो उसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।